बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुजन नायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक डीएस कौर के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के आज महापरिनिर्वाण दिवस पर लोग भारी मात्रा में उनके दिल्ली स्थित बहुजन प्रेरणा केंद्र पर पहुंचे। आपकी हम लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे और मान्यवर साहब काशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि दिल्ली के नखापगंज कोर्ट बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के पास स्थित बहुजन प्रेरणा केंद्र पर आज भारी तादाद में लोग पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देश दुनिया से पधारे करोड़ों उनके अनुयायी आज देश भर में उनको याद कर रहे थे। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के लोग ग्रेटर नोएडा बहुजन प्रेरणा केंद्र पर पहुंचे थे। लोगों की भारी तादाद के अंदर पहुंची इस भीड़ को देखकर एक चीज अंदाजा हो रहा था कि लोगों में आज भी मान्यवर साहब काशीराम जी को लेकर उतना ही जोश और जुनून है जितना पहले हुआ करता था। मान्यवर साहब काशीराम जी के बहुजन प्रेरणा केंद्र की आप घर बैठे तस्वीरें देख पा रहे हैं एपीवी न्यूज पर। किस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम जी के सम्मान में ये बहुजन प्रेरणा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम और तमाम बहुजन नायकों की यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई है। लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनको याद करते हैं और इस मौके पर भारी तादाद में लोग आप देख सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदि के बड़े बड़े निशान, मान्यवर साहब काशीराम जी साइकिल पर नजर आ रहे हैं, वन कुमारी मायावती जी की पुरानी तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मूर्तियाँ बनाई गई है बहुजन प्रेरणा केंद्र दिल्ली की, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने चैनल पर। तो ये बहुत बड़ा गौरवशाली पल होता है इस दिन जब लोग यहाँ पर याद करने आते हैं मान्यवर साहब काशीराम जी को और भारी तादाद में लोग याद करते हैं उनको। ऐतिहासिक ये पल एक अपने आप में कहा जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद लोग मान्यवर साहब काशीराम जी को याद करते हैं, अपील करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर मान्यवर साहब काशीराम जी की और बहन कुमारी मायावती जी की दिल्ली के बहुजन प्रेरणा केंद्र से आप देख पा रहे हैं आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर। तो किस तरीके से मान्यवर साहब काशीराम जी को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी आज ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी और कहा था कि उनके सपने जरूर जरूर साकार होंगे। तो ये एक बड़ी तस्वीर मान्यवर साहब काशीराम जी की याद दिलाते हुए उनकी साइकिल यात्रा को, उनके बसपा सुप्रीमो मायावती जी के हाथ में झंडा हाथी स्वागत करता हुआ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मान्यवर साहब को याद करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने की कसमें खाते हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने पूरे देश भर के अंदर एक अलग जगाई थी, उम्मीदें जगाई थी कि किस तरीके से बहुजनों को एकजुट करके लामबंद करके बहुजन सत्ता को हासिल कर सकता है। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस के पावन पर्व पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, बारंबार उनको याद करते हैं, जिंदगी भर आजीवन उनको याद करते रहेंगे। शायद वो ना होती तो शायद अम्बेडकरवाद का एक हिस्सा कमजोर पड़ जाता। मान्यवर साहब काशीराम अमर।